हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में। जी हां, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल, कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेश्चंस है यूजर फॉर्म से रिलेटेड है। हमारे एक व्यूअर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर है जो कि पाकिस्तान से है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। तो मैं तो हर जगह के लोगों की मदद करता हूं, आप लोग भी मेरे मुझसे कोई भी सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। तो चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू ऑटो फिट ए पिक्चर साइज इमेज कंट्रोल बॉक्स एक्सेल यूजर फॉर्म। जी हाँ, यहाँ जैसे कि अगर हम एक्सेल, कोई एक्सेल फाइल लेते हैं, उस पर कोई भी इमेज वगैरह स्टोर करते हैं, तो उसकी जो ऑटो फिट होगा वो कैसे होगा, ये चीज उन्होंने बात की है कि कैसे होगा। क्योंकि कुछ इमेज छोटा होता है, कुछ इमेज बड़ा होता है, तो सेम साइज में कैसे आएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है इनका, और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। और शुरुआत जब मैं लर्निंग पीरियड था तो मेरे साथ भी होता था, तो मैं उसी चीज को आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो एक सिंपल से एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज लिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया हमने, यहाँ से इमेज को ड्रैग किया। अब इसके इसमें इमेज, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसके आपके सामने आएगा, हाँ पिक्चर यहाँ पे नन है, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये पिक्चर एक सिलेक्ट कर देता हूँ मैंने, इसी सिलेक्ट, लेकिन पूरा पिक्चर यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसकी जो पिक्चर की जो साइज मोड है, एक क्या है फ्री आपका पिक्चर साइज मोड है, इसको आप कर दीजिए यहाँ स्ट्रेस, इस तरह से बड़ा करेंगे, जूम और स्ट्रेस होता है, तो जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसमें जो पिक्चर की साइज होती है मोड क्लिप को छोड़ के आप स्ट्रेस पे क्लिक कर देंगे, स्ट्रेस पे क्लिक कर देंगे तो छोटा पिक्चर होगा तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा पिक्चर होगा तो छोटा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पिक्चर को हिसाब से अपने हिसाब से सेट करना। बाकी जिसकी बाकी और भी इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने सिंपल क्या कर दिया, पिक्चर की यहाँ पे इसकी कोडिंग कर दी, मतलब इसकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, हमने सिंपल यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बार से, अगर प्रॉपर्टी बार नहीं मिलता है तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन होता है, हैंड का निशान होता है, इसका शॉर्टकट F4 है, F4 से ला सकते। आई होप उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, और आप लोग भी मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, लाइव क्लासेस, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके आप डेमो क्लास का फॉर्म भर दे, हमारे साथ कुछ डेमो क्लासेस को ज्वाइन करें, अगर अच्छा लगेगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। या फिर आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपके हेल्प के लिए अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखूंगा, बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोबाइल नंबर को नोट कीजिएगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू।